गाइस GTA 5 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, क्योंकि GTA 5 की वीडियोस अब आती रहेंगी। क्योंकि भाई मुझे लगता है चैनल GTA 5 के बगैर बिल्कुल अधूरा है, खाली खाली सा फील होता है मुझे। तो हम जा रहे हैं माइकल के बेटे जिमी को बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, पता नहीं कितने ज्यादा हमारे एक्सीडेंट होने वाले हैं जिमी को बचाते बचाते, क्योंकि भाई जिमी ने अपने बाप की बोट को सेल कर दिया अपने बाप की इजाजत के बगैर। जिमी को पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसने एक गैंग से पंगा ले लिया, मतलब एक गैंग को सेल करना चाहिए बोट। वो गैंग वाले इतने ज्यादा तकड़े हैं भाई, इतने ज्यादा खतरनाक है, वो बोट भी साथ ले गए और चार पांच थप्पड़ लगा के जिमी को भी साथ बैठा के ले गए। बाद में भाई हमें आती है जिमी की कॉल के बाबा जी हम मुझे पकड़ के ले गए हैं कुछ लोग। तो भाई बाबा क्या करे, बाबा ने गाड़ी घर से निकाली, अपने दोस्त फ्रैंकलिन को बुलाया और हम आ चुके हैं यहाँ इस बोट को दोबारा से हासिल करने के लिए और जिमी को बचाने के लिए। फ्रैंकलिन को मैंने जंप करवा दिया बोट के ऊपर। अब बोट जाने फ्रैंकलिन जाने, मुझे बस बोट चाहिए। भाई जो ट्रक वाले के पास कोई लाइसेंस वाइसेंस है या ऐसे ड्राइविंग करी जा रहा है, वो सबको कुचली जा रहा है जो उसके सामने आ रहा है। मुझे लगता है एक गैंगस्टर के साथ हाथापाई हो गई है फ्रैंकलिन की। अरे क्या कर रहा है, इसे गिरा नीचे फटाफट से, बाजू पकड़ भाई, क्या कर रहा है भाई, एफर्ट तो पूरी कर रहा है फ्रैंकलिन, गिरा दिया नीचे, अब मैं इसे कुचलता हूँ। भाई गंजा तो गया, एक बंदा तो गया, अब ट्रक पे पता नहीं यार और कितने ज्यादा बंदे हैं। क्या कर रहा है फ्रैंकलिन ऊपर, भाई एक और गैंगस्टर आ चुका है। अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार, इसको भी नीचे गिराना। ओहो ये ट्रक, भाई ट्रक वाला पता नहीं कौन सी ड्राइविंग कर रहा है भाई, ये तो भारी पड़ रहा है फ्रैंकलिन के ऊपर, मैं इसे गोली मारता हूँ। ये देखो भाई साहब, मुझे भी थोड़ी हेल्प की करना पड़ रही है, कोई बात नहीं। जिमी मुझे नजर नहीं आ रहा, जिसने इतना फड्डा डाल दिया हमारे लिए वो हमें नजर नहीं आ रहा, किधर गया। ये कौन है, ये हाथापाई हो रही है कि बातें हो रही हैं भाई, ये तो बातें हो रही हैं, लेकिन ये क्या भाई, ये हवा में क्या कर रहा है, ये तो जिमी है भाई, लटक गया जिमी हवा में। अच्छी बात है यार, इसे थोड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसे लटकना चाहिए हवा में, इसे मजे आने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। तेरी एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं होना चाहिए था भाई, हमारी गाड़ी की तो पहले ही स्पीड बहुत ज्यादा कम है। मैं यार स्पीड गाड़ी की इतनी ज्यादा कम है कि मैं उसे फॉलो नहीं कर पा रहा ट्रक को, ट्रक की तो स्पीड इतनी ज्यादा है, हालांकि यार भारी गाड़ी है ट्रक, उसकी स्पीड तो कम होनी चाहिए ना, लेकिन यार ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा और हमारे पास कार है, लेकिन कार की स्पीड बहुत ज्यादा कम है, हालांकि कार की स्पीड यार ज्यादा होनी चाहिए थी ना भाई। फाइनली जिमी को तो हमने बचा लिया, लेकिन अपनी बोट को नहीं बचा पा रहे, क्योंकि यार उस ट्रक के ऊपर बोट है, तो बोट को कैसे बचा पाना है। एक बंदा उनका वैसे गिर के मर चुका है। अब भाई फ्रैंकलिन को लेना है हमने, कार की स्पीड ही नहीं है यार, अब फुल स्पीड मैंने दी हुई है कार की, पूरा एक्सीलेटर दबा के दिया हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ओके भाई जिमी भी आ चुका, फ्रैंकलिन भी आ चुका, लेकिन हमारी बोट जा रही है भाई, हमारी गाड़ी की स्पीड ही नहीं है, हमारी गाड़ी की स्पीड नहीं है और उस ट्रक की स्पीड कम नहीं हो रही, मतलब जरा सी भी कम नहीं हो रही, पूरे 120 पे वो मीटर मार के अपना जा रहा है और हमारी गाड़ी उसको फॉलो कर रही है बहुत ही स्लो स्लो स्लो। लेकिन भाई ये क्या हो गया भाई, धुआं मार गई अपनी गाड़ी, खटारा गाड़ी धोखा देगी रास्ते में। ओके भाई हम अपनी बोट को हासिल नहीं कर पाए, माइकल जा रहा है घर वापस जिमी को छोड़ के और साथ में हमें एक खटारा सी गाड़ी देकर। ओके भाई रिपेयर सेंटर में आ चुके हैं, भाई बोट को तो भूल जाओ, जिमी को बचा लिया बस इतना काफी है, गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं, वापस चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं वापस, ये जिमी को ज्यादा नहीं फ्री हो रहा फ्रैंकलिन के साथ, हाँ पर कद्दू जैसा इसका मुंह है, इसकी हरकतें चेक करो, बाप की बोट सेल कर रहा था बाप को बताए बगैर, यार उसे पैसे वैसे मांग लेता ना, क्या हरकतें, ये कोई अच्छी हरकत थोड़ी ना होती है किसी को बताए बगैर कोई काम कर लेना, ऊपर से भाई गैंगस्टर को पीछे पड़वा लेना, ऊपर से गैंगस्टर से थप्पड़ वप्पड़ खा के भाई गैंगस्टर वाले इसे उठा के ले गए, क्या बात है भाई क्या बात है। ओके तो गाइस हम आ चुके हैं अपने बॉस के साथ, जिसके साथ अक्सर हम धंधा वंदा करते रहते हैं, अपना बॉस हो या मर गए यार है भाई, है बॉस अपना है यहाँ पे। बॉस मक्खन लगाना बंद कर, हमें काम बता क्या है। ओके तो भाई बॉस ने इस लोंडे को हमारे साथ भेजा एक मिशन के ऊपर, मिशन ये है कि भाई एक लोंडे से हमने बाइक छीन के लेके आनी है, भाई उसके मुंह पर है ब्लैक कलर का टैटू, बेसिकली ब्लैक कलर का टैटू होता है और रंग बिरंगा थोड़ी ना होगा भाई, रंग बिरंगा भी होता है यार, 3D टाइप आजकल टैटू वगैरह चले हुए हैं, वो रंग बिरंगे भी टैटू होते हैं। खैर छोड़ो यार, उसके मुंह पर एक टैटू है जिससे हमने थप्पड़ वप्पड़ मार के एक बाइक वापस लेके आनी है। बॉस ने अपनी बाइक दे दी थी भाई, बॉस का काम है ना अपना शोरूम है बॉस का, तो भाई बॉस ने उस बंदे को आधार पे बाइक दे दी। वैसे सोचने वाली बात है, हमारा बॉस इतना भाई दयालु कैसे हो गया, दिल का अच्छा कैसे बन गया, जहां तक मैं अपने बॉस को जानता हूँ एक नंबर का कमीना बॉस है हमारा। साथ में हमारे एक को वर्कर को भेजा है जो हमारे साथ अक्सर काम वाम करता रहता है, उस बंदे को हमारे साथ भेजा है, जाओ भाई थप्पड़ वप्पड़ मारो जो मर्जी करो, बस मेरी बाइक मुझे वापस ला के दो। भाई अब मुझे नहीं पता वो बंदे गैंगस्टर हैं भाई क्या है, वो उनका गैंग है क्या सीन है, या अकेला बंदा है जिससे हमने बाइक को छीनना है, तो यहाँ पे देखते हैं। हाँ भाई तू पहले जा, नहीं भाई हमें फॉलो करना पड़ेगा इस लूमड़ को, इस ग्रीन पट्टी वाली लूमड़ को, इस हल्क को फॉलो करना पड़ेगा। ये बड़के कौन मार रहा है,
भाई ये नशेड़ी भड़के मार रहा है, कुछ ज्यादा ही सस्ता नशा कर लिया इसने। ओहो इसकी ज्यादा ही कोई पतली हालत है। चलो भाई निकलते हैं, सामने से एक गाड़ी आ रही है भाई। गाड़ी भी कोई खतरनाक लग रही है मुझे, गैंगस्टर टाइप बंदे लग रहे हैं भाई। ये इसकी तो निकल गई हवा, साथ वाले की मेरी हवा निकल गई, इस बंदे की हवा निकल गई। देख रहे हो तो कैसे देख रहा था भाई। ओके ओके सर्च करना है गैरेज भाई, कहाँ कहाँ गए, एक दो ओके उठा के देख लेते भाई। बाइक चुरानी है हमने, इसके अंदर क्या है भाई, ये तो एकदम खाली है भाई। किसी बंदे से लेनी थी, मैं यहाँ पे गैराज को फोल रहा हूँ यार, यहाँ भी नहीं है, फर्नीचर पड़ा हुआ है। किधर गई भाई बाइक, किधर गई? बॉस भी अजीब अजीब काम नहीं भेजता यार, यहाँ भी नहीं है। व्हाट द छोड़ो यार, पता नहीं बाइक किधर है भाई। बंदे आ गए, ओ भाई गन निकाल ली, ओ तेरी, ओ उसने बंदा मार दिया, ओ तेरी ऐसी की तैसी हो भाई। लड़ाई छिड़ चुकी है भाई, हमारे पास पिस्तौल भी है लेकिन भाई उसे नहीं उठाएंगे आज। हाथ से फाइट करूंगा भाई, हाथ से पीटूंगा इनको, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये ले एक और ले, एक और ले भाई, हमारे भी गोलियां लग रही हैं भाई। क्या मैंने पंगा ले लिया भाई, हाथों हाथ ही नहीं भाई, थपड़ो थपड़ी हो चुका मैं भाई, थपड़ो थपड़ी मेरी गलती भाई, नहीं होना चाहिए था, वो गोलियां मार रहे हैं। ओ तेरी भाई, ओके हमारी सारी चलाकी भाई निकल चुकी है, कोई बात नहीं है, हमारे पास पिस्तौल आ चुका है। अब भाई थोड़ा कवर लेके मारूंगा इनको, ये ले एक तो गया भाई, हेडशॉट मारूंगा तेरे पछवाड़े पे पहले मारता हूँ यहाँ। मजा आया ना, अब भाई हेडशॉट मारते हैं। ओह उसके हाथ पे यार लग गई, ये देखो एक दो भाई, अभी कवर लेके फाइट करना पड़ेगी हमें यार। बॉस तेरी ऐसी की तैसी, बॉस ने मैं बताया नहीं भाई वो गैंगस्टर के बंदे हैं, बस यही बताया कि भाई बाइक लेके आनी हो, मैं यहाँ पे मुंह उठा के बाइक लेने आ गया। भाई कहाँ गए सारे, इतनी शांति क्यों है भाई, ये कवर में रहना था ना भाई, तूने कवर में तेरी ऐसी की तैसी भाई। फिर उठ रहा है, अब नहीं उठेगा भाई, अब तो इसके पूरा माथे पे ठोक दिया हमने गोली, छाप दिया इसको। ये कहाँ से फायरिंग कर रहा है, वो रहा ऊपर भाई, नजर आ गया तेरी ऐसी की तैसी गंजे टकले। ये ले भाई, इसका भी मुंह फोड़ दिया हमने। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है, हाँ रुकना जरा भाई, चेक कर रहा हूँ हेडशॉट आपका भाई ले रहा भाई, बड़ा मजा आ रहा है यार हेडशॉट मारने में। मेरे पास यार एक पिस्तौल है जो कि मेरे ख्याल में ऑटो नहीं है, सिंगल फायर है। और भाई वो देखो वो लौंडा मेरे साथ जो है वो, उसके पास ऑटो गन है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा भाई। ये कौन गाड़ी लेके आ गया, मार तेरे पास ऑटो गन है, मार इसे भाई। उसने खुद ही अपनी गाड़ी ठोक दी भाई, एक गोली से दो शिकार या फिर दो गोलियां मैंने मारी। खैर फाइनली सारे बंदों को हमने मार दिया, लेकिन हमें ग्रीन बाइक नहीं हमें मिली। अरे भाई वो देखो सामने हमारी बाइक लेके जा रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे थोड़ी ना इसे बाइक लेके जाने देंगे। और भागना मेरे वाला कैसे भाग रहा भाई, ये देख ग्रीन हल्क भाग भाई, भाग पीछे फटाफट से अपनी गाड़ी को पकड़ते और इसको फॉलो करते हैं। ऐसी की तैसी ऐसे थोड़ी ना होता है भाई साहब, बॉस ने हमें काम दिया तो काम कंप्लीट करके बॉस के पास जाएंगे। फटाफट से बैठ भाई, निकल जाएगा वो फटाफट से बैठ, क्या कर रहा है बाइक को काफी ज्यादा तेज चला रहा है भाई, हमसे तो काफी ज्यादा दूर चला गया वो। नहीं भाई ठोकरी नहीं है गाड़ी भाई, ठोकरी नहीं है भाई, ड्राइविंग कुछ ऐसे हो रही है कि बस हिला पड़ा है सारा कुछ। अरे भाई नहीं ठोकरी नहीं है गाड़ी, इधर भी नहीं ठोकरी, ऐसी की तैसी उसकी भाई, सीधा गाड़ी ले जा करके उसकी बाइक में ठोक देंगे। लेकिन यार बॉस ने बोला था बाइक को अच्छी हालत में लेके आना है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, गोली वोली मार देंगे उसको, बाइक उठा के ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार उसे फॉलो करना काफी मुश्किल हो रहा है, वो सामने जा रहा है। पकड़ लिया भाई साहब, पकड़ लिया, यहाँ पे ठोकते हैं इसको, नहीं थोड़ा नजदीक चले जाए फिर इसे ठोकते हैं। स्पीड उसकी भी काफी ज्यादा तेज है भाई, ये देख रहे हो कैसे कट्टे वट्टे मारता जा रहा है भाई, जिगजैग करता जा रहा है। एक गोली मैंने मारी नहीं लगी, यहां से ही खड़े होकर मार देते हैं। ये भाई गिरा दिया इसको, तेरी टकले ऐसी की तैसी, किस गैंग का बंदा है तू, मैं नहीं जानता, तेरे गैंग की भी ऐसी की तैसी और तेरी भी भाई। पैसे पड़े हुए हैं इसके पीछे, पहले उतर के पैसे उठा लेते हैं ना भाई। वो देखो सामने गड्डी पड़ी हुई है पैसों की, ये लो भाई उठा लिए भाई। वो हल्क गाड़ी लेके चला गया, ओके ठीक है, वैसे गाड़ी लेके चला गया, हम बाइक लेके पीछे जाते हैं। ओके तो भाई सीधा चलते हैं बॉस के पास और बताते हैं बॉस से बदला भी लेंगे। बॉस तुमने हमें क्या किया, ये क्या किया, तुमने बताया नहीं कि वो एक सिंगल बंदा है या फिर पूरा गैंग है।
लेकिन उससे पहले ये हल्क हमारी गाड़ी को लेके यहाँ पे सिग्नल को क्यों फॉलो कर रहा है भाई? सिग्नल पे क्यों खड़ा है? इतना अच्छा कब से हो गया मेरे साथ रह गया? इतना अच्छा हो गया, मुझे उम्मीद नहीं है भाई, तू कैसे इतना अच्छा? नहीं हो सकता तू इतना अच्छा। वैसे यार बाइक चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं तो समझ रहा था सिर्फ कार चलाने में मजा आता है GTA में, लेकिन यार बाइक चलाने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ओके तो गाइज हमें बॉस के पास जाना है बिल्कुल अच्छी हालत में अपनी बाइक को लेके। जरा सा भी डैमेज हुआ ना तो बॉस नाराज हो जाएगा। बॉस को नाराज नहीं करना, वैसे को बदला लेंगे, कोई और कांठ कर देंगे ना बॉस के साथ। और भी बड़े तरीके हैं बदला लेने के, ये नहीं है कि बस इस बाइक को ही डैमेज करेंगे तो बदला लेंगे बॉस के साथ। बॉस से लाजमी बदला लेंगे, डोंट वरी। ब्रेक 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 ब्रेक, नहीं 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 भाई, ठुकना नहीं है कहीं पर, ठुकना नहीं है। हल्क पहुंच गया होगा कि नहीं? हल्क भी मुझे फिरकर हो रही है भाई, जाके कोई शिकायतें वगैरह ना लगा दे, बॉस का सर ही ना फाड़ दे। गुस्से में गया है ना भाई, बता ही नहीं गया। गाड़ी उठाई फटाफट से निकल लिया भाई, क्या बात है। सारा मिशन मेरे साथ किया और गाड़ी उठाई और निकल लिया मुझे बताए बगैर। ओह भाई लग गई थोड़ी सी गाड़ी, तेरी रिस्पेक्ट करूं तेरी ऐसी की तैसी। सामने हल्क खड़ा हुआ था, ये देखो हल्क। और यार आपस में फाइट खत्म करो यार, ये रहा हमारा बॉस तेरी ऐसी की तैसी हराम खोर। ओके तो भाई साहब इसने हमें एक और मिशन पे भेज दिया, बदला बाद में ले लेंगे यार। इसने एक मिशन पे हमें भेजा है भाई, एक गाड़ी लेके गया वो इस बंदे से ना, को सारे बंदे पेमेंट किए बगैर ही गाड़ियां ले जाते और बाद में ये हमें हमारी लेता रहता है कि भाई जाओ मुझे गाड़ी ला के दो। अब एक बच्चे को इसने गाड़ी दे दिया, वो बच्चा क्या गया, उस बच्चे ने भाई गाड़ी लेके ना इस बंदे को वापस नहीं की। अब इसे डर है कि मेरे पैसे मारे जाएंगे या वो ज्यादा मेरी एक्स्ट्रा गाड़ी को डैमेज कर देगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमें इस घर से गाड़ी को चुराना है। ओ भाई इस बंदे को पता चल गया, शिट यार, हमें किसी को बताए बगैर, मतलब किसी को पता ना चले ऐसे घर में घुसना है और गाड़ी को चुराना है यहाँ से। थोड़ा एहतियात से जाएंगे, ध्यान से इधर से गुजर लेते हैं भाई। उस बंदे ने देख लिया तो हमारा सारा मिशन चौपट हो जाएगा यहाँ पे। मैं नहीं चाहता मेरा मिशन यहाँ पे चौपट हो, बस हमें घर के अंदर घुसने का कोई रास्ता चाहिए। मैं कहाँ रास्ता ढूंढता फिर, कोई डोर ढूंढते हैं, विंडो शिंडो से जा सकते हैं क्या? ये डोर ओपन होगा नहीं भाई, ये डोर भी नहीं ओपन हो रहा। ओके कोई बात नहीं, घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा डोर होंगे, कोई तो यार डोर होगा ना हमारे लिए भी। नहीं भाई डोर ओपन नहीं हो रहा। अच्छा यार कोई विंडो शिंडो कुछ चढ़ बढ़ के कहीं पे कुछ सीन ऐसा बना लेते हैं भाई। ये बिच, ये गालियाँ चल रही हैं अंदर क्या? ओह भाई गालियां चल रही हैं भाई घर में, पहले से काफी ज्यादा मेरे ख्याल में लोग टेंशन में हैं। तो हमें आराम से जाना है, किसी को पता ना चले। चलते हैं भाई देखते हैं गाड़ी किधर खड़ी है। ओ यार ये इसने देख लिया। ओ भाई अब मिशन फेल हो गया। फ्रैंकलिन की हालत देखो यार। ओके यार इस बार थोड़ा एहतियात से जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे, किसी को पता ना चले। वो अभी अपने रूम में बैठी बड़बड़ा रही है। खैर उसे बड़बड़ाने दो, हमें सिर्फ इस घर से चोरी करनी है, वो भी एक गाड़ी, वो भी हमारी गाड़ी। भाई हम अपनी चीजें खुद चोरी करते हैं, क्या बात है। समझ में नहीं आती बॉस क्यों आधार पे किसी को चीजें दे देता है। भाई ये भी डोर नहीं ओपन हो रहा, वो बंदे वहां पे क्या कर रहे हैं? भाई छोड़ो यार, जो भी कर रहे हैं उनका अपना काम है, करने दो। मेरे ख्याल में यार वो कुछ सिखा रहा है, उसे सिखाने दो ना, सिखा भाई तू जितना मर्जी सिखा। हमें सिर्फ यहाँ से एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी भाई गाड़ी मिल गई, यही हमारी गाड़ी है क्या? ओके अब बाहर कैसे लेके जाना है इसे? भाई ये डोर कैसे ओपन होगा? गाड़ी तो हम स्टार्ट कर लेंगे, वो तो कोई इशू है ही नहीं। मैं डोर को देख रहा हूँ, बाहर का डोर कैसे ओपन करना है भाई, कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। छोड़ो यार गाड़ी स्टार्ट करते हैं और डोर को तोड़ देते हैं गाड़ी के साथ, देखा जाएगा बॉस के साथ। बॉस को डैमेज गाड़ी नहीं ना पसंद। ओके 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 भाई हमें कुछ नहीं करना पड़ा, डोर ऑटोमेटिक है तो भाई ओपन खुद ब खुद ही ओपन हो चुका है। ओहो गाड़ी को ठोकना नहीं है बस। लो भाई साहब बॉस का दूसरा काम भी हमने कर दिया, बॉस की ऐसी की तैसी, लोगों को उधार पे चीजें देता रहता है, बाद में हमारी लेता रहता है, जाओ जाके लेके आओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। ओ भाई गाड़ी में एक और बंदा भी है, ये कहां से घुस गया? ओ भाई हमारी कान पट्टी पे बंदूक रख दी उसने। ओ भाई बॉस बॉस किधर किधर फंसाएगा मुझे,
पहले बॉस ने बताया नहीं कि वो गैंग है या एक सिंगल बंदा है जिससे हम बाइक लेके आए। अब यार इस गाड़ी में फंसा दिया, वो मेरी खोपड़ी पे बंदूक ताने बैठा हुआ है। हद है यार बॉस। हाँ भाई यही जगह है भाई, विंडो तोड़ के जाना है अंदर। चलो भाई कन पट्टी पे बंदूक है, तोड़ देते हैं विंडो। Franklin, what the fuck are you doing? ये तो माइकल है। It's not exactly भाई बॉस ने हमें बताए बगैर माइकल के घर भेज दिया। Get out of here, kid. You motherfucker. ओके तो भाई यहाँ पे बॉस के साथ फाइट करनी है हमने। भाई ये हुआ ना, हमें मौका मिल चुका है बदला लेने का बॉस के पास से। कहा था ना मैंने बदला जरूर लेंगे बॉस से। ये ले बॉस। ओए बॉस भी दे रहा आगे से। ओहो बस बॉस ये ले। भाई बॉस को तो बहुत गुस्सा था, मैं मुझे बहुत गुस्सा था बॉस के ऊपर। अब बॉस की काफी ज्यादा पिटाई करेंगे। हाँ, बता बॉस, तेरा बहुत मुंह चलता है, तेरी जुबान बहुत ज्यादा तेज चलती है। ये ले। This thing's gonna need some serious bodywork for it's worth $5,000 a month. एक और दे, ऐसे। हाँ बॉस, आया मजा? भाई यकीन मानो, बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है बॉस की पिटाई करने में। Some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent. एक और मार देना यार, एक और दे इसके मुंह पे। Don't make me have to come back. Yeah, yes. भाई माइकल का स्वैग है भाई, अच्छी पिटाई करके गया। ओके तो गाइज उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ एक बंदे के पास, जिसके पास भाई इकोनॉमी की हर इंफॉर्मेशन है। मतलब बोले तो इकोनॉमी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है अपने मुल्क का। ये देखो, हाँ सेव आवर इकोनॉमी। ठीक है भाई, इससे बात करके देखते हैं क्या बातें करता है हमारे साथ। हैं भाई ये बीड़ी दे रहा है अपन को? ओए हम नहीं करते यार ऐसा वैसा काम। भाई ये क्या बकवास कर रहा है ये? ओए माइकल क्या कर रहा है? माइकल ने बीड़ी पकड़ ली। अरे छोड़ना यार ऐसे काम, नहीं नहीं करते यार ऐसे काम। ओए पागल हो गया क्या? सर फिर गया, सर फट गया क्या? कुछ सर में कोई चीज लग गई क्या? ओ भाई वो नशे वशे स्टार्ट कर दिए माइकल ने। भाई ये सर घूम रहा है इसका। कहा था मैंने ना पियो। भाई ये गन हाथ में आ गई। ओके अब क्या करना भाई? इन मॉन्स्टर्स को मारना है भाई, एलियन आ गए। नशा वशा करके बंदूकें चला रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसी की तैसी इन एलियंस की। अबे नशे करके भी फाइट करेंगे हम। हेडशॉट भाई, हेडशॉट लेने में जो मजा आता है ना वो मजा अलग है। इसे पास आने देते हैं, एक को पास आने देते हैं, फिर उसका हेडशॉट लेंगे। आजा भाई आजा, फटाफट से आजा। अब भाई ये एलियन ने कौन सा जादू कर दिया भाई? हैंग कर दिया दिमाग मेरे को भाई, हाथ पैर जमा दिए इसने तो। तेरी ऐसी की तैसी भाई, ऑटो पे चलाते हैं गन को। दर 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 दर, ये हुई ना बात। आ जाओ सारे, कहाँ पे हो भाई? पता नहीं अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है नशे वशे करके। ऐसी की तैसी तुम सब की, सबको मारूंगा यहाँ पे, सबको एक एक को गिन गिन के मारूंगा। हाँ भाई अब गिनना स्टार्ट करते हैं। एक आ जाओ यार फटाफट से आ जाओ। ये ऊपर चढ़ा कब से मुझे तंग कर रहा था यार। ऐसी की तैसी एलियंस की भाई, ये कौन सी बीड़ी पला दी उसने भाई? चक्कर आने के बाद ये क्या हालत हो गई? ये एलियन के पास मैं कैसे पहुंच गया यार? तेरी ऐसी की तैसी, आ जा भाई। ये क्या चल रहा है मेरे साथ? ये कौन सी बीड़ी पला दी? मुल्की हालातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नशा करवा दिया, वो भी इतना सस्ते वाला नशा है, स्लो मोशन। भाई नशे को नाम देना चाहिए यहाँ पे, एक स्लो मो नशा। तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, ये कब उतरेगी? ये चढ़ी हुई कब उतरेगी? कितने एलियन मारूं मैं? यहाँ पे तो एलियंस की भसड़ मची हुई है भाई, हर तरफ एलियन ही एलियन। ओके मेरे ख्याल में यार सब एलियंस को मैंने मार दिया भाई, कोई भी बाकी नहीं बचा। नशा वशा उतर ही नहीं रहा यार नशा, ये उतर गया। तेरी ऐसी की तैसी कंजर इंसान, ये क्या पिला दिया था मुझे तूने? ओके तो गाइस हमारा सारा नशा उतर चुका है और यहाँ पे हमारे गेम प्ले का साथ ही एंड हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट GTA 5 के मजेदार से गेम प्ले में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी। तो बाय।